इस डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस आर सेम। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन तुम एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे सामने यह चैलेंज है कि किस कस्टमर को लोन दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो शुरुआत में क्या करेंगे? अपनी कंपनी के डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर से कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, जैसे कि कस्टमर काउंट, एवरेज सैलरी और उन कस्टमर्स में से कितने की सैलरी एवरेज से अधिक है, एटसेट्रा। और फिर नंबर्स को समझने और इनसाइट्स निकालने के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे। यही होता है डेटा एनालिटिक्स का काम। लेकिन अगर हम एडवांस्ड टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर के बैंकिंग या बिल पेमेंट हिस्ट्री को एनालाइज करके और निकालते हैं कि कस्टमर की क्रेडिट वर्थिनेस और लोन देने में होने वाला रिस्क कितना है, तो इसे हम कहते हैं डेटा साइंस। अगर आप भी इन टूल्स और टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो डिजिक्रोम के डेटा साइंस विद AI कोर्स से सीख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।